and the long occultation starts from 329 Hijra until today. और कहते हैं सुग्रा की इब्तिदा 255 हिजरी से लेकर 329 हिजरी तक है, जो 74 साल तक है, जिसमें इमाम अक्सर मोमिनीन से मिलते थे। और कहते हैं कुबरा 329 हिजरी से होता है, जो तहाल अभी तक मौजूद है। लेकिन क्या बात है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहू काना तव्वाबा। यानी अल्लाह फरमाता है कि उस दिन को याद करो जब लोग जोग दर जोग अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे, जो अल्लाह की हम करेंगे और वो माफ हो जाएंगे। इमाम के जहूर के बाद अल्लाह ने दीन को दीन अल्लाह कहा है। ये सूरा हमारे बारवे इमाम की शान में है कि जब इमाम आएंगे तो लोग अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे और उस अल्लाह के दीन में कोई फिरके नहीं होंगे। शायद इसीलिए अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा है कि जब इमाम हुक्म देंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों को तबलीग के हक बयान करेंगे, कहेंगे कि मैं तो खुद रसूल खुदा के वारिस पैरवी कर रहा हूँ, तो लोग उनको सुनेंगे और उस दिन लोग बड़ी बड़ी तादाद में फौज की शक्ल में खुदा के दीन हक में दाखिल होंगे। शुरू में जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है कि इंतजार करो और अल्लाह भी इंतजार कर रहा है। एक सलावात बारहवें इमाम की शान में, अब पता चला कि इमाम ज़माना क्या होते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम उस दिन के आने से पहले इमाम ज़माना को मानते हैं, क्योंकि बाद में तो सब मानेंगे। बारहवें इमाम के फ़ज़ाइल में इतना कहना है कि कितना अजीम है हमारा मौला कि सब उनके इंतज़ार में है। हत्ता के जो आयत मैंने पढ़ी शुरू में, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह खुद इंतज़ार में है, इमाम खाली हाथ नहीं आएंगे, वही जुल्फिकार लाएंगे। इमाम के जानिसारों में दुनियावी एतबार से एक जानिसार में ईस पहलवानों की ताकत हो, ये तो हमारे आखिरी इमाम होंगे जो दुनिया को अमन से भर देंगे। हमारे बारहवें इमाम जब तशरीफ लाएंगे तो वो इस्लामी जंगे जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने लड़ी थी, बारहवें इमाम उनसे बड़े जंग लड़ेंगे और फैसले भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करेंगे, छोटे से बड़ा। अगर किसी ने किसी की जमीन गसब की है या किसी ने अपने घर की खिड़की बाजार की तरफ खोली है तो इमाम बंद करवाएंगे। बड़े से बड़े मतलब बड़े बड़ों को जो अपने आप को दीन का आलिम समझता हो, दुश्मन अहले बैत को नाबूद करेंगे। आखिर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे इमाम बराबर हैं और सब अल्लाह की तरफ से हैं। इमाम तो हमें समझ आ गए हैं, लेकिन कभी हम कुछ बीवी की भी बात करें कि बीवी ज़हरा सलाम अलैहा की जात क्या है, हम कभी नहीं बयान कर सकते बीवी की फजीलत। मैं कुछ जुमले बीवी की शान में कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सलाम। बीबी ज़हरा सलाम अलैहा की शान तो अल्लाह ने हदीसे किस्सा में बयान की है कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि चादर के नीचे कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया
कि हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चादर के नीचे नबूवत की कान है, चादर के नीचे बीबी फातिमा सलामुल्लाह है और उनके वालिद बेटे और शौहर इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंजर बलागा में फरमाया कि नहनु हिजाबुल्लाह अकबर, यानी हम अल्लाह के हिजाबात हैं। हिजाब दोनों साइड देखता है, हिजाब का वो साइड जो मखलूक की तरफ है वो हमारे इमाम है, और हिजाब का वो साइड जो अल्लाह की तरफ है वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात है। रसूलुल्लाह का बीबी ज़हरा के लिए खड़ा होना दुनियावी ताज़ीम नहीं है, बल्कि ये मकाम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ऐसी बीबी का क्या कहना कि जिसका निकाह अर्श पर पढ़ा गया हो और जिसका निकाह को पढ़ने वाला अल्लाह हो और जिसका हक मेहर ये दुनिया हो, बस जो भी हलाली है वो हक अदा करे। बस मजलिस इस पर ख़त्म कर रहा हूँ कि बीबी के नाम के मायने क्या है। लफ्ज़ फातिमा का मायने निजात दिलाने वाली। इसीलिए रोजे कयामत पर बीबी आज़ादारानी हुसैन को जन्नत पार कराएंगी, फिर जन्नत खुद तशरीफ ले जाएंगे। محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على